वेलकम बैक टू जसविंग दिस क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का सेशन भी हर सेशन की तरह काफ़ी यूजफुल रहेगा। DSSSB हो, EMRS हो, UPTGPT या और किसी भी टाइप का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइज क्या खास है आज की वीडियो में हमारे पास में। और जुड़ जाइए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सबसे पहले अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं अपनी। काफ़ी हेल्प आपको इन वीडियोज़ के साथ मिलने वाली है। और लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइएगा ताकि ऑडियंस जो है वो थोड़ा जुड़े इधर भी और थोड़ा सा मुझे भी फ़ायदा हो पाए। चलिए देख लेंगे गाइस, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, डाइवर्टिंग अटेंशन अवे फ्रॉम एन आइटम ऑफ सिग्निफिकेंस। जब डाइवर्टिंग अटेंशन, मतलब किसी भी चीज़ से किसी अटेंशन को, ध्यान को हटाना, अब डाइवर्ट करना फ्रॉम एन आइटम, किसी चीज़ से, किसी सिग्निफिकेंट जो उसका महत्व है किसी चीज़ के, उससे ध्यान को हटाना, तो ब्लैक हेरिंग है। मतलब कोई चीज़ बहुत वैल्यू की है लेकिन हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे ध्यान हम हट रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है एक तरीके से नज़रअंदाज उसको किया जा रहा है, तो ब्लैक हेरिंग है, रेड हेरिंग है, ब्लू हेरिंग है, वाइट हेरिंग है, आप इसको क्या कहेंगे? ठीक, एक सेकेंड गाइस। यस, तो देखिए इसको हम रेड हेरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस? इसको रेड हेरिंग कहा जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेकेंड। यस, इन व्यू ऑफ एरिस्टोटल पाथोस रेफर्स टू द, एरिस्टोटल की व्यू में जो पाथोस वर्ड है वो किस चीज़ को रेफर करता है? क्या इमोशनल स्टेट है लिसनर की, या फिर प्रमोशनल स्टेट है, या फिर डिवोशनल स्टेट है, या फिर वोकेशनल स्टेट है? कौन सी स्टेट है यहाँ पे लिसनर की जिसको हम कहते हैं पाथोस? चलिए देखेंगे इसका जो आंसर है आपका वो हो जाएगा, आई थिंक ये आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जो इमोशनल स्टेट होती है लिसनर की उसी को हम लोग पाथोस कहते हैं, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इजेंट अमंग ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूज बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के द्वारा कौन सा टर्म यूज नहीं किया गया ग्रीक टर्मिनोलॉजी में इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्री आर्टिस्टिक प्रूफ्स ऑफ मोड्स ऑफ परसुएशन। तो यहाँ पे इथोस है, पाथोस है, लोगोस है, लिंग है, इनमें से कौन से वर्ड का इन्होंने यूज़ नहीं किया है? तो देखिए इथोस, पाथोस, लोगोस का इन्होंने यूज़ किया है, जो ये लिंग वर्ड है इसका इन्होंने यूज़ नहीं किया है। द पार्ट ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर दैट दे रिवील्स टू द अदर पीपल स्पेशली व्हेन देयर रियल कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे द पार्ट ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, किसी भी व्यक्ति के कैरेक्टर का वो पार्ट, व्यक्तित्व का वो पार्ट दैट दे रिवील्स टू द अदर पीपल, जो वो किसी के सामने दिखाते हैं, है ना, स्पेशली जब रियल कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट, लेकिन जो उसका रियल कैरेक्टर है वो उससे काफ़ी काफ़ी अलग होता है, और वो दिखाने का, वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के, तो वही चीज़ है, तो दिखाते वो कुछ और हैं जबकि डिफरेंट होता है बहुत ज्यादा उसका जो कैरेक्टर होता है रियल, तो उसको क्या कहते हैं? अल्टर ईगो है, अवेटर है, कैरेक्टर मास्क है, या फिर पर्सोना है? देखिए अवेटर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? अवेटर होते हैं, एक तरीके से मुखौटा, सॉरी पहला नहीं होगा, बी होगा, है ना, अवेटर कहते हैं यदि जो ऐसा कैरेक्टर है जो व्यक्ति दिखाता है जबकि वो कुछ और है अंदर से। द डैश ऑथर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड इन द 20th century। तो कौन सी जो है, किस टाइप के ऑथर जो हैं, इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ, किस, कौन सा ये जो कॉन्सेप्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डेवलप हुआ है 20th century में? तो हमारे पास है जो डिस्क्रीट है, इम्प्लाइड है, एम्प्लॉयड है, डिप्लीट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो हमारा जो इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड सिमिली आपने सुना होगा इस टाइप की चीज़ें, तो इम्प्लाइड जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑथर, किसी भी ऑथर का इम्प्लाइड ऑथर, इस टाइप से चीज़ें जो है डेवलप हुई थी क्रिटिसिज्म के फील्ड में। अ टाइप ऑफ लव इन विच सेक्सुअल डिज़ायर रोमांटिक फीचर आर नॉट एग्जिस्टेंट, ऐसा प्यार जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर पर या फिर रोमांटिक चीज़ों पर फीचर्स को जो है क्या किया जाता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जबकि हैज़ बीन सप्रेस्ड और सब्लिमेटेड, बट इट मींस मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन मतलब डिज़ायर इस टाइप की कुछ नहीं होते बंदे से, बस आकर्षित होते हैं एक दूसरे से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कोई सेक्सुअल डिज़ायर है या फिर कोई रोमांस एक दूसरे के बीच है, तो इस टाइप की चीज़ें ना हो करके, लेकिन वो फ्रेंड से थोड़ा ऊपर रहते हैं, फ्रेंड भी नहीं होते बहुत ज़्यादा, एक दूसरे की केयर भी रहती है फ्रेंड से ज़्यादा, तो इस टाइप का जो रहता है लव उसको कहते हैं प्लेटोनिक है, डन है, दांते लव है, शेक्सपियरियन लव है। तो यहाँ जो वर्ड है प्लेटोनिक लव जो है उसके लिए यूज होगा।
माइथोस इज द टर्म यूज बाई एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स टू मीन एन एथेनियन ट्रेजेडीज. ठीक है, तो बता दीजिए माइथोस जो है एरिस्टोटल के द्वारा ये टर्म इनकी पोएटिक्स नाम की बुक में यूज किया गया है. तो कैरेक्टर है इसका मतलब थॉट है, सीन है या फिर प्लॉट है. तो प्लॉट जो है वही माइथोस के लिए यूज होता है. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये थोड़ा लाइटिंग मुझे कम लग रही है, वैसे तो पूरी है, पता नहीं मुझे ही क्यों. चलिए, द चीफ कैरेक्टर इन अ प्लॉट ऑन होम अवर इंटरेस्ट सेंटर्स इज कॉल्ड. द चीफ कैरेक्टर इन अ प्लॉट ऑन होम अवर इंटरेस्ट सेंटर्स इज कॉल्ड. बताइए, एक चीफ कैरेक्टर प्लॉट के अंदर जो है, एक जो चीफ कैरेक्टर रहता है जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचि है वो सेंटर करती है. कहते हैं ना केंद्र बिंदु है ये किसी भी चीज़ का, तो उसी की वजह से कोई चीज़ फेमस हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि नायक बहुत ज़्यादा फेमस करे मूवी को, कभी कभार जो खलनायक होता है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस कर देता है ना. तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं. जैसे कहीं पर नायक ज़्यादातर जो मूवीज़ रहती हैं उनमें उसी की हम काम को देखते हैं, लेकिन कई बार कोई दूसरा कैरेक्टर भी जो माइनर कैरेक्टर होता है वो भी उस मूवी के लिए काफ़ी मतलब अच्छा साबित होता है उसको मतलब हिट बनाने में, है ना. तो इसको क्या कहते हैं, प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, हीरो कहते हैं, हीरोइन कहते हैं, ऑल ऑफ द अबो कहते हैं, क्या कहा जाएगा उसको. तो देख लीजिए यहाँ पे वैसे कहा जाएगा उसको ऑल होना चाहिए इसमें, क्योंकि तीनों ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना. हाँ, ऑल ऑफ द अबो हो जाएगा, ऑफ द अबो. A center, a character in a work, by sharp contrast, serves to stress and highlight the distinctive temperament of the protagonist is termed as. A character in a work, किसी भी work में जो एक character है, by sharp contrast जिसका है, serves to stress and highlight the distinctive temperament of the protagonist. ठीक है, प्रोटागोनिस्ट का हाई टेम्परामेंट जो डिस्टिंक्ट टेम्परामेंट रहता है हाईलाइट करने के लिए उसकी स्ट्रेस वगैरह को. तो हीरो है, प्रोटागोनिस्ट है, विलेन है, फॉइल है, तो फॉइल हो जाएगा. एनिमी भी कहते हैं इसको, है ना, वही तो गुस्सा वगैरह दिलाता है ना हीरो को, जो एंटागोनिस्ट कहते हैं या फिर फॉइल कह दीजिए, एनिमी कह दीजिए उसको. हु रोट आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट. किसने कहा है ऐसा ट्वेल्थ नाइट के बारे में कि मैं भी काश एक ट्वेल्थ नाइट के जैसा मैं एक बेहतरीन प्ले लिख पाता. तो ये स्टेटमेंट किसकी है, तो जी बी शाह की स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन है. Who made the statement? If ever any author deserved the name of originality, यदि किसी author को originality के बेस पे हम लोग देखें अच्छे से तो it was Shakespeare. किसका कहना था ऐसा, तो ये बात कही थी Alexander Pope ने Shakespeare के बारे में. Who commented on Shakespeare in the line? इस line के रूप में किसने comment किया Shakespeare के ऊपर कि nature herself was proud of his designs and joyed the wear the dressing of his lines. तो अलेक्जेंडर पॉप की स्टेटमेंट है शेक्सपियर के लिए, जॉन ड्राइडन की है, सैमुअल जॉनसन की है या फिर बेन जॉनसन की है. तो ये जो स्टेटमेंट है गाइज ये बेन जॉनसन की है, याद रखिएगा बेन जॉनसन की है, और इससे पहली जो थी वो अलेक्जेंडर पॉप की थी. द एंटिसिपेशन क्या कहा जा रहा है, द एंटिसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन इन रिटोरिकल स्पीच. किसी भी रिटोरिकल जो साज सज्जा की जो भाषा होती है किसी भी वर्क के अंदर, तो रिटोरिकल स्पीच के लिए जो एंटिसिपेशन है या फिर आंसरिंग है किसी भी पॉसिबल ऑब्जेक्शंस के लिए, उसको क्या कहते हैं, प्रोलेप्सिस, पैरालिसिस, एपिलेप्सी, रिटोरिक. तो उसको कहा जाएगा मेरे हिसाब से प्रोलेप्सिस होना चाहिए, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका. वी यूज़ दैट, दैट का यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं. दैट जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी होता है कंजंक्शन भी होता है, तो ये जो प्रोनाउन है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इसको डिटर्मिनेंट के रूप में यूज़ कर लेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव. तो तीनों रूप में ही हम इसको यूज़ कर लेंगे, डिटर्मिनर भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव दैट दिस दैट दिस दोस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ये लोग, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी ये होता है, ये आप जानते हैं अच्छे से. ठीक है, रिलेट करता है ये किसी भी नाउन को दूसरे से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन. इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है किसके बारे में, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, इसके बारे में. तो इट एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इन इट्स ऑन क्लॉज. अपनी ही क्लॉज
ऑब्जेक्ट और एडवर्ब की तरह काम आता है. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंजंक्शन ज्वाइनिंग इट्स क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ये एक्ट करता है कंजंक्शन के रूप में ज्वाइनिंग करने के लिए किसी भी क्लॉज का, जो बाकी की क्लॉज है, बची हुई क्लॉजेज हैं उनसे रिलेट करने के लिए यूज करते हैं इसका. तो ये भी सही है. तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट हैं. सी पे जाएंगे हम लोग. ए भी सही है, बी भी करेक्ट है. हु रोट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट नोन एज द एन्चेंटेड आइलैंड. इस नाम से द टेम्पेस्ट का जो डिफरेंट वर्जन है वो किसने लिखा है? चार्ल्स नाइट ने, एडवर्ड डाउडन, जॉन ड्राइडन या फिर विल्सन नाइट? तो ये जो है गाइज आपका जॉन ड्राइडन का होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है. जॉन ड्राइडन ने लिखा है द एन्चेंटेड आइलैंड, किसके बेस पे? जो हमारे जो टेम्पेस्ट था. विच टेल ऑफ शेक्सपियर ड्राइडन फाउंड टू बी पर्टिक्यूलरली बैड, रेफरिंग टू इट एज अ हीप ऑफ रबिश. कौन से वर्क को बोला गया है, शेक्सपियर के कौन से वर्क को ड्राइडन ने क्या आप कहा है कि पर्टिक्यूलरली बैड भी कहा है और ए अ हीप ऑफ रबिश. रबिश क्या होता है? कूड़ा कचरा, भद्दी चीज़ है ना, इसके रूप में किसने इसको यूज किया है? तो टेल ऑफ ट्रॉयलस हो जाएगा पहला. एक सेकेंड, हाँ, टेल ऑफ ट्रॉयलस हो जाएगा, यही आंसर है. हु रोट अ कलेक्शन ऑफ टू पोयम अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलन. ठीक है, इन्होंने दो पोयम लिखी हैं और दो पोयम के इस कलेक्शन को इन्होंने क्या कहा है? कोरियोलन कहा है. और इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, और किसके ऑनर में लिखा है? जो कोरियोलेनस प्ले है शेक्सपियर का, इसके बारे में इन्होंने लिखा. ये एक रोमन प्ले है. ठीक है, तो टी एस इलियट हैं, एडवर्ड डाउडन है, जॉन ड्राइडन है या फिर विल्सन नाइट हैं. तो ये जो है आपका टी एस इलियट, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सही है हमारे पास. हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कार्ड कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस. 1817 में एक वर्क आया है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, किसके द्वारा लिखा गया है इसको? ए सी ब्रैडले, जेम्स मेबल, विलियम हेजलिट या फिर फ्रेडरिक बॉस? तो विलियम हेजलिट का वर्क है ये, बिना दिक्कत के आप लोग कर सकते हैं. चलिए करेक्ट स्पेलिंग बताइए इसकी. अच्छा क्वेश्चन है. करेक्ट स्पेलिंग कस्टाल्ट है, इम्ब्रोग्लियस है, इम्पास है और आपका रिकंडाइट है. रिकंडाइट का मतलब तो थोड़ा ऑब्सकर होना, अस्पष्ट होना. ठीक है, एक तरीके से ऑब्सकर होना, जो समझ में ना आए, जो एक तरीके से जो रिवील ना हो रहा हो. ठीक है, कंसील कह सकते हैं, छुपा हुआ हो, थोड़ा समझ से बाहर हो थोड़ा, तो इसको कहते हैं. तो रिकंडाइट जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी की सभी की इनकरेक्ट है. इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग है. हिंड्रेंसेज आप पता है, आपको पता है बाधाएं होती हैं. कॉरस्पॉन्डेंस आप जानते हैं, इंश्योरेंस है, एश्योरेंस है. तो करेक्ट स्पेलिंग इसमें किसकी है? तो हिंड्रेंस की ही करेक्ट है, बाकी की सभी की गलत है. देखिए कॉरस्पॉन्डेंस में आपका डी ए एन सी होगा, इंश्योरेंस आपका ये भी गलत है. ठीक है, और एश्योरेंस भी आपका गलत है. ठीक है, चलिए करेक्ट स्पेलिंग बताइए एडवर्जरी की. एडवाइजरी, एडवर्जरी, एडल्टरी, एडवाइजरी, आर्बिट्रेरी. तो देखिए यस, तो इसमें जो है एडवाइजरी जो वर्ड है वो सही है आपका, बाकी इनकरेक्ट है. ठीक है, एडवाइजरी की भी स्पेलिंग गलत है, एडल्टरी की भी है. तो ये देख लीजिए आप लोग, एडवाइजरी का मतलब क्या था? परामर्शी होता है ना, जो परामर्श देती है एक तरीके से, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, फिर कुछ लोगों का जो है ग्रुप भी होता है टाइप से. इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. रग है, कलीग है, डिल्यूज है और एल्यूज है. तो देखिए यहाँ डिल्यूज जो वर्ड है, सॉरी कलीग जो वर्ड है, कलीग. ठीक है, कलीग आप जानते हैं जो साथ में वर्क करते हैं, कहीं पे भी स्टाफ जो रहता है साथ में उसको कलीग. रग, रग आपको पता ही है, जो घुमक्कड़ होते हैं, भद्दे, हाँ रग कह सकते हैं, घुमक्कड़, जो घुमाऊ व्यक्ति रहते हैं ज़्यादा. और डिल्यूज होता है गांठ, कैंसर वगैरह की बॉडी में कहीं पे भी किसी वजह से गांठ पड़ जाना होता है. और एल्यूज, एलीज, इसका मीनिंग मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, कलीग जो है वो करेक्ट है आपका. ठीक है, कलीग आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन है. करेक्ट स्पेलिंग मैलिग्नेंट, इम्पर्टिनेंट, इंडिपेंडेंट और नेग्लिजेंट. तो यहाँ मैलिग्नेंट जो वर्ड है उसकी करेक्ट स्पेलिंग है. ओके, और एक सेकेंड मुझे थोड़ा, एक सेकेंड गाइस, मैलिग्नेंट ये डिल्यूज नहीं होता, डिल्यूज की नहीं होती है, सॉरी डिल्यूज की नहीं होती गांठ वगैरह, मैंने अभी आपको बता दिया था. ये तो आपका मैलिग्नेंट का होता है, पता नहीं मैं कैसे कंफ्यूज हो गई, मैलिग्नेंट का होता है. ठीक है, मैलिग्नेंट का होता है जैसे कैंसर वगैरह की कहीं पे भी बॉडी में किसी रीजन से गांठ पड़ जाती है इस टाइप से. चलिए, इम्पर्टिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, नेग्लिजेंट है. तो मैलिग्नेंट जो वर्ड है वही आपका सही भी है. ठीक है, इम्पर्टिनेंट में स्पेलिंग एन एन टी होगा, इंडिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट
इनडिपेंडेंट में डी एन टी होगा और नेग्लिजेंट में, नेग्लिजेंट पे आपका जी एन टी होगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन विल यू हैंड हैंड योर असाइनमेंट, तो हैंड बैक होना चाहिए यहाँ, क्योंकि हैंड बैक का मतलब होता है, हैंड बैक का मतलब वापस कर देना है ना, तो व्हेन विल यू, तुम अपना रिजाइन जो है वो कब वापस करोगे, इस टाइप से पूछा जा रहा है। डिस्कॉर्ड का अपोजिट देना है, डिस्कॉर्ड का, तो डिस्कॉर्ड का जो अपोजिट है आपका वो, डिस्कॉर्ड एक तरीके से झगड़ा हो जाता है, तो हार्मनी हो जाएगा, है ना, हार्मनी हो जाएगा, थोड़ा डिस्कॉर्ड का मतलब हार्मनी है, थोड़ा सद्भाव होता है इसका मतलब, सद्भाव होता है हार्मनी, ठीक। और सेरेनिटी का मतलब शांति होता है आपका, शांति, कामनेस। और ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस है वर्ड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस स्वीकृति होगी। प्लेसिडिटी क्या होता है, प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी होता है आपका कोई भी ग्रेटनेस, सफिशियंटली ग्रेट, जो काफ़ी ग्रेटनेस हो जाएगा, ग्रेटनेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हार्मनी आपका आंसर है। ममोथ, ममोथ होता है काफ़ी विशाल, है ना, काफ़ी विशाल होता है, जेंट होता है। अच्छा, इसमें क्वाइट, ममोथ, हाँ हाँ ठीक है, क्वाइट जो वर्ड है, क्वाइट इसका मतलब होता है चुप हो जाना, है ना, शांति, चुप्पी, चुप्पी कह सकते हैं। और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस होता है किसी चीज़ का, है ना, इम्पॉर्टेंस होता है, इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस। और ह्यूज का होता है विशाल, ह्यूज का विशाल, और स्मॉल का छोटा, तो स्मॉल है इसका आंसर, है ना, ममोथ का भी विशाल ही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट, इनविंसिबल, इनविंसिबल होता है क्या, देखिए इनविंसिबल होता है जिसको जीता ना जा सके, अजेय जिसको कहते हैं, तो इसका आंसर आपका वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है, वल्नरेबल, इनविजिबल। इन स्मॉल आपको पता है इनविजिबल, अदृश्य आपको पता है, रीचेबल जो पहुंच के अंदर हो। चलेंगे नेक्स्ट, डाइवल्ज, डाइवल्ज का अपोजिट होता है कंसील, ठीक है, डाइवल्ज होता है रिवील करना, ठीक है, ये दोनों आपस में सिनोनिम है, एक सेकेंड, हाँ ये दोनों आपस में सिनोनिम है, और बाकी जो आपका वर्ड है कंसील, ये इसका अपोजिट है, क्योंकि डाइवल्ज कंसील और सॉरी एक सेकेंड गाइस, अच्छा डाइवल्ज आपका क्या होता है, हाँ डाइवल्ज आपका रिवील करना होता है और कंसील आपका छुपाना होता है, तो ये भी आप एक दूसरे में जो है अपोजिट है, रिवील, मैं ये गलत बोल रही हूँ, ये जो वर्ड है ना, ये और ये एक दूसरे के सिनोनिम है, सॉरी, है ना, ये एक दूसरे के सिनोनिम है, बाकी जो कंसील है इसका मतलब है छुपाना, डाइवल्ज और रिवील होता है स्पष्ट कर देना, ठीक है। चलिए, टू कॉल इट अ डे, इसका क्या मतलब होगा, टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स, टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, टू वर्क थ्रू द डे, नन ऑफ द अबव, तो ये हो जाएगा टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स, ओके, टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स इसका आंसर होगा। चलिए गाइस, यहीं तक के लिए, लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, लास्ट हो गया, आप तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, और तब तक ले बाय, टेक केयर।